जगतगुरु निर्मलाचार्य श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराज श्री जी की आज्ञा के अनुसार आज मेरा बड़ा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया है, जो कि महाराज श्री जी के चरणों में आज आप सभी लोगों का, जो आप सभी भक्त शिरोमणि हैं, सभी का दर्शन करके भी मैं कृतार्थ हो गया हूं। कल यहां बहुत सुंदर मैंने प्रसंग सुना, श्रीमद् भागवत जो महापुराण, जो साक्षात भगवान का वांग्मयी स्वरूप है, जिसका दर्शन करने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है, और अगर दर्शन करके महाराज श्री जी की वाणी का एक शब्द भी, एक वाक्य भी इस व्यास पीठ से उच्चरित वाणी को हृदय में यदि धारण कर लिया जाए, तो कहते हैं कि कहाई सुनई अनुमोदन करही ते को पद इव भवनिदत तरही। जय जय की वाणी को हृदय में धारण करके उसका जलाशया भी अनुसरण कर लिया जाए, तो वास्तविक में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह मेरा अनुभव है। आज जो मैं यहां आया हूं, मैं फरीदाबाद से चलकर ईमानदारी में कथा तो मैं सुनता ही रहता हूं, लेकिन आज उस बच्चे को आशीर्वाद दिलाने लाया हूं जिसका महाराज जी ने नया जीवन दान दिया है। 23 तारीख को महाराज जी अचानक मेरे आश्रम में आते हैं, आकर के स्पेशल ध्यान दीजिए, स्पेशल हमने प्रार्थना की महाराज जी से, आश्रम में पधारे, बोले विचार करेंगे। मैंने कहा अच्छा, ठीक 2 घंटे बाद जय जय का फोन आया, हम आश्रम में आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। 2 घंटे बाद महाराज जी ने दर्शन दिए, उस बालक पर हाथ रखा। हम नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि जय जय भविष्य की बात को जानते थे, इसलिए उस बालक को स्पेशल विजय माला पहनाई, आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो। हमने कहा महाराज आपकी कृपा है, आप विश्वास करें, महाराज जी तो 16 सेक्टर गए, वो बालक वृंदावन चला गया, वृंदावन से लौट के आ रहा है। एकादशी का दिन 25 तारीख को सितंबर की को ठीक सुबह 4:15 बजे पलवल के पास उस बालक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ मैंने जीवन में नहीं देखा। अगर आपको मैं घुसगाड़ी का दृश्य दिखाऊंगा आप कांप जाएंगे। मेरे पास 4:45 बजे पुलिस का फोन आया कि वो गाड़ी में 3 जने थे, सब खत्म हो गए हैं। उस बालक की मां ने कहा कि मेरा बालक खत्म नहीं हो सकता, रात में गुरुजी आशीर्वाद देके गए हैं और उनकी ब्रह्मवाखड़ी मिथ्या नहीं हो सकती। हमसे कहा, हमने कहा नहीं, मुझे विश्वास है और विश्वास हम फलदायकम। मैंने कहा वो बालक जिसको स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए आज यहां महाराज जी पधारे थे, वो कभी मृत्यु के काल में नहीं जा सकता, मेरा चैलेंज है। अब मानेंगे
उस बालक को मरे हुए को दोबारा होश आ गया, आज वो जीवित है। मैंने देखा है जी जी जय जय का चमत्कार। मैं उस बालक को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया हूं। एक मिनट के लिए गोपाल जी यहां खड़े हो जाएं, जल्दी। अभी महाराज जी सलीमाबाद पीठ पर इस पे हाथ रख के पूछ रहे थे, बेटा कहां लगी है, घाव कहां हुआ है। मैं कह नहीं सकता, ये बालक आज महाराज जी की देन है। सारे पुलिस वाले बोले ये तो मर गया था, ये जीवित कैसे हो गया। जय जय की कृपा से हुआ है, ये इनकी कृपा है, ये साक्षात यहां बैठा है। इसलिए एक बात कहता हूं कि जय जय के चरणों में समर्पण कर दो अपने को। मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं, लेकिन मैंने इसको अभी ये तुरंत 2 महीने पहली बात है, मैं फिर जय जय के चरणों में कुछ कहने लायक नहीं हूं। पाद युगल सिरसा नमः यत्रां वितः श्रुतिगणान विरोधमे यद्ध्यान योग निरताश्च दाग्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा पुष्पादपिकोमलांगी शशिस्वरूपारविजाप्रति सरन्निशायां शशिचंद्रिकायां कृष्णेन साकं लसति कारुण्यसिन्धु स्वजनैकबन्धु कैशो रवेशं कमदी कोले कृतरासगोष्ठ सर्वेश्वरं तं शरणं स्वभावतोपास्तशमस्ततो शेष कल्याण गुणैकराशु व्यूहांगिनं परम ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले अंगे त्वामे वृषभानुजामुदा विराजमानामनुरूपसौभगं सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवे सकलेष्टकं नवा
गुदानीक मनोहराय प्रफुल्ल राजीव विलोचनाय वेणु स्वनामोदित गो गोपी पते यदुपते नवनीत चौर वृंदावने मुरलीधर पद्म पाणे गोवर्धनो धरण धीर मुकुंद सूरे त्रायस्व केशव हरे शरणां मनो जवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं यत् संप्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयां सहसाभ्युदयति शरणों मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की जाई Oh,
श्रीमद भागवत रसवर्षण के निमित्त समस्त खंडेलवाल परिवार आज सर्वप्रथम तो इस श्रीमद भागवत रसवर्षण के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व मैं अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनको हम धन्यवाद तो क्या दे सकते हैं, परंतु उन्होंने
संपूर्ण भारत वर्ष की प्रत्येक जनमानस की पुकार को सुनते हुए आज उन चारों राक्षसों को मृत्यु दंड दिया है। हैदराबाद में जिन चारों राक्षसों ने हमारे राष्ट्र को कलंकित करने वाला, संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार करने वाला जो दुष्कृत्य किया, उसका उन्हें दंड प्राप्त हुआ। भगवान के चरणों में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भी इसके निमित्त बने हों, इस कार्य को संपादित करने में जो कुछ भी, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, उन सभी के लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक दुष्ट को दंड देने के लिए भगवान नहीं आएंगे धरातल पर, वो तो जब उनका अवतार होगा, जिस समय होना होगा तभी होगा। परंतु भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर इस धरातल पर अवश्य भेजते हैं, ताकि ऐसे पापियों का, दुष्टों का नाश हो सके। तो जैसे ही आज प्रातःकाल ये समाचार मिला, संभव है जिस प्रकार मुझे प्रसन्नता है आप सभी को हो रही होगी, मैंने प्रथम दिवस ही कहा था कि मातृ देवो भव, ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष है। इन माताओं का सम्मान, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हम सभी का कर्तव्य है, प्रत्येक पुरुष वर्ग का कर्तव्य है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि यथा ब्रज गोपानां, क्या कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम। अगर मुझे किसी की भक्ति सर्वप्रिय है, सबसे अधिक मुझे कोई भक्ति करे तो किसके समान करे, गोपियों के समान। उन ग्वाल बालों से ज्यादा भगवान को भक्ति किन की प्रिय रही, गोपियों। तो भगवान को भी मातृशक्ति का सम्मान करना आता है, और वो सिखाते हैं हमें। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता, सब सर्वप्रथम मात। जय जय श्री राधे। तो सभी ब्रजवासी जब गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे और गिरिराज महाराज का जब पूजन हुआ, और इंद्र ने देखा कि जिस दिन मेरी पूजा होती है आज कोई न भोग आया न पूजा हुई, तो इंद्र कोप कियो जग ऊपर। इंद्र ने कुपित होकर अपने मेघों को आदेश दिया कि ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करो। अथा वृष्टि हुई, सब ब्रजवासी व्याकुल हो गए, आकर भगवान से निवेदन किया, अरे कान्हा, तुम्हारे कहने पर हमने गिरिराज जी का पूजन किया और अब हमारी ये स्थिति हो रही, बचा। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो ब्रजवासी, अपन ने जिनकी पूजा की है वही गिरिराज महाराज हमारी रक्षा भी करेंगे। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज महाराज के निकट पहुंचते हैं और भगवान ने स्वयं अपने कर कमल पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोलिए गिरधर भगवान की जय। ये
गिरिराज धरण की भगवान की सुंदर लीला। इंद्र को अपनी इस त्रुटि का अनुभव होता है, आकर भगवान से क्षमा याचना करता है। एक दिन प्रातःकाल नंद बाबा को ऐसा भान होता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और वो शीघ्र ही यमुना स्नान के लिए चले जाते हैं, जबकि वो रात्रि का तीसरा प्रहर होता है। तो रात्रि में किसी भी जलाशय में, सरोवर में अथवा नदी में स्नान करना ये वरुण देव का अपराध है। रात्रि में स्नान न कर किया जाए यदि कोई विशेष निमित्त न हो तो। तो वरुण के दूत नंद बाबा को वरुण लोक ले जाते हैं। प्रातः काल हो गई, मध्यान्ह होने को है, बाबा लौटे नहीं। मैया यशोदा ने कहा, लाला देखो तुम्हारे बाबा अभी तक आए नहीं, स्नान करने गए थे प्रातः काल। भगवान यमुना जी आते हैं, देखते हैं तो बाबा के वस्त्र उपानद सब रखे हुए हैं। भगवान यमुना जी में प्रवेश करते हैं, वरुण लोक जाकर भगवान अपने बाबा को छुड़ा कर लाते हैं। भगवान को देखकर वरुण देव, ओह आज तो मैं कृतकृत्य हो गया, कहां तो भगवान के दर्शनों के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कितनी तपस साधना करनी पड़ती है, और यहां सहज में ही दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, भाई किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ तो पहले देख तो लिया करो कौन है क्या है। मेरे बाबा को ही ले आए। नंद बाबा ने आकर सभी ब्रजवासियों को भगवान की महिमा का गुणगान किया कि भाई हमारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो इसके तो देवता भी बड़ी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं तो बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही आप लोगों का सखा बाल बाल हूं। शरद ऋतु का आगमन होता है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो भगवान उन समस्त गोपांगनाओं की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, जो भगवान ने पूर्व में ही वचन दिया है सभी को, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाशित योग माया। जब भगवान सुखदेव इस महाराज की लीला को प्रारंभ करते हैं परीक्षित को सुनाने के लिए, तो परीक्षित को ये भान कराना परम आवश्यक है कि अब जो तुम ये लीला सुनने जा रहे हो ये कोई साधारण लीला नहीं है। अभी तो इस लीला को श्रवण करते समय तुम्हारी दोष दृष्टि हो जाए, और ये स्वाभाविक भी है, परीक्षित सदगृहस्थ है, आप्त काम पूर्ण काम मनीषी का भी मन कभी विचार करने को ऐसा हो जाए कि भगवान की कौन सी लीला है, भगवान ने उन गोपांगनाओं पर कैसे कृपा की, तो सहज है कि परीक्षित भी इस कृपा से, इस लीला से
कहीं किसी प्रकार का दोष दर्शन न करें, इसके लिए सर्वप्रथम भगवत शब्द का प्रयोग किया। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित योग कहा परीक्षित, अब जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं ये उन भगवान आनंद नंद कंद नित्य निकुंज विहारी वृंदावन विहारी श्यामा श्याम की निकुंज रसोपासना की सबसे सुंदर लीला है। और इस लीला के अधिकारी वही रसिक संत भक्त जन हैं जिनके हृदय में भगवान की पराभक्ति निरंतर हिलोरे लेती रहती है। और ये लीला, इस लीला को संपादित करने के लिए भगवान किनकी शरण में जाते हैं? पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। तो सदैव वो पराभक्ति प्रदान करने वाली भगवती श्री राधा परमाल्लादिनी शक्ति का योग मायाम उपाश्रिता, उनका आश्रय लेकर भगवान ने उस महारास लीला का प्रारंभ किया। भगवान पिता, भगवान, ताकि परीक्षित को यह भान हो जाए कि अब मैं जो सुनने जा रहा हूं वो भगवान की लीला है, किसी कोई साधारण लोक रंजन के लिए की गई कोई लोक नायक नायिकाओं के द्वारा किया हुआ कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें हम दोष देख सकें, ये स्वयं भगवान की लीला है। तो जिस रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने इस लीला को रसपान कराने का निश्चय किया उसका कितना सुंदर सुभग स्वरूप है। तडोडुराज ककुभ करैर मुखम प्राच्या विलिम्पनरूणेन संतमैः सुंदर मंद मंद शीत का समय है, सभी सरोवरों में जमुना जी के जल में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, लताओं पर वृक्षों पर शाखाएं पल्लवित हो रही हैं। और ऐसी सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शन जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम निशम्य गीतौ तदनंग वर्धनम निशम्य गीतौ तदनंग वर्धनम। भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों के प्रेम को और बढ़ाने के लिए, उनकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया? जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम निशम गीतों तदनंग वर्धनम निशम गीतों तदनंग। सदैव अपने करार बिंद में विराजमान रहने वाली बांसुरी का
सुंदर निनाद प्रारंभ किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम्। तद अनंग वर्धनम्, उन गोपांगनाओं के अनंग यानी प्रेम को, उनकी लालसा को, उनकी उत्कंठा को, अभिलाषा को और बढ़ाने वाला भगवान की वेणु का निनाद। यद्यपि पहले से ही वो इस लीला के लिए व्याकुल है, कब वो समय आएगा जब श्याम सुंदर हमें उस अद्भुत दिव्य उज्ज्वल रस की लीला उस महारास में हमें प्रवेश देंगे, जहां पर केवल प्रिया प्रीतम ही नित्य रास करते हैं। रास विहारिणी रस विस्तारी प्रिय उर धारिणी श्री नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री जिस नित्य रास लीला में प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो भगवान की सहचरी भाव से निरंतर सेवा करने वाली सखियां हैं, केवल उन्हीं का वहां पर प्रवेश होता है। इसलिए सभी ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान हमें भी कभी उस लीला का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा जब समय आएगा तो अवश्य ये कृपा प्रसाद भी मिलेगा। तो आज ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने उस महारास लीला के लिए अनुकूल समझा है। जैसे ही भगवान ने अपनी उस वंशी के निनाद को प्रारंभ किया, और भगवान की बांसुरी जैसे ही उन गोपियों के कानों में प्रवेश करती है, यद्यपि नित्य प्रति भगवान की उस वंशी वादन को श्रवण करने वाली गोपियां, क्यों भगवान तो वंशी नित्य बजाते हैं और उन समस्त ब्रजवासियों का तो सबसे बड़ा आनंद ही भगवान की वंशी को सुनना है। वंशी विभूषित करा नवनी रदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्ट कृष्णात् परम किमपि तत्व उन ब्रजवासियों ने कभी भगवान के अतिरिक्त और कोई तत्व जाना ही नहीं। उनके सर्वाधार केवल भगवान, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो जो गोपियां भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती, आज उस वंशी के निनाद में कुछ विशेषता है। आज जो भगवान ने बंसी बजाई है उस वंशी वादन में कुछ निमित्त है, और वो निमित्त है उन गोपांगनाओं को संकेत, उन सभी गोपियों का आह्वान है
और केवल गोपियों का ही नहीं, अपितु जिन भी संत रसिक जनों के हृदय में वो गोपी भाव, वो सहचरी भाव है, उन सभी के लिए भी भगवान ने आह्वान किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम जगो कलम वाम दृशा मनोहरम, जगो कलम वाम दृशा मनोहरम। भगवान की वंशी का निनाद कैसा है, जगो कलम वाम दृशा मनोहरम। सभी दिशाओं में चराचर जगत में जहां तक भी भगवान की वंशी पहुंच रही है, उस वंशी ने सबको मोहित कर दिया। ऐसी भगवान की वंशी का नाम मनोहारी, जो सुन ले वो मोहित हो जाए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वह वंशी का गीत उन गोपियों के प्रेम को और बढ़ा, उनकी व्याकुलता। अब उन गोपियों को भान हो गया कि आज जो भगवान वंशी बजा रहे हैं ये कोई साधारण वंशी नहीं, आज भगवान की वंशी में हमें भगवान बुला रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रियतम। तो उस भगवान की वंशी को सुनकर गोपियां भगवान की ओर दौड़ पड़ती है। जो जिस परिस्थिति में है, जो भी कार्य कर रही है, उसी अवस्था में भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास कर, काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सका पयोधिसृत्य दुयन्त्यो भी अयु। भगवान सुखदेव कितना सुंदर वर्णन करते हैं उन गोपियों की स्थिति का, दशा का, कि कौन कौन सी गोपियां, क्या कोई गाय का दूध दू रही है, दूते दूते जैसे भगवान की वंशी उसे सुनाई देती है, वो उसी समय उस दूध को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ती है। पयोधिश्रुत्य परिवेशयन्ति कोई दूध गर्म कर रही है तो उफनते दूध को छोड़कर दौड़ पड़ती है। जो गोपी जिसे कुछ भान ही नहीं है कि मैंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं, बस दौड़ पड़ती है। जबकि माताएं अपने वेशभूषा को लेकर कितनी गंभीर होती है, घर में रहेंगे तो अलग वस्त्र है, घर से बाहर जाएंगे तो फिर वस्त्र परिवर्तित करके पूरा श्रृंगार करके फिर घर से बाहर निकलना। पर यहां गोपियों को कुछ भान नहीं है, क्या पहना है क्या नहीं, क्या श्रृंगार है कुछ। किसी गोपी ने चलते चलते चलो कुछ तो मैं पहन लूं, तो जो मस्तक पर पहनने वाला बोरला होता, बोरला ही कहते, उस बोरले को गले में धारण कर लिया। और जो गले में कंठा होता है, हार होता है, उसे अपने मस्तक पर बांध लिया।
कमर में पहनने वाली जो करधनी होती है उसे पायल की जगह बांध लिया। हाथ की अंगूठियां पहन में, पैर में पैर की बीटियां, हाथ में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अस्त व्यस्त वस्त्र हो रखे हैं उन गोपियों को, क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा। क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा एक है, अभिलाषा एक है, कामना एक है कि कृष्ण के दर्शन हो जाएं। पायन्ते शिशुन्पय लिम्प्यन्ते प्रजीवन्ते एक गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है और भगवान की वंशी सुनाई देती है, भूल जाती है कि मुझे क्या करना है, अपने पुत्र को वहीं छोड़ देती और दौड़ पड़। किसी गोपी ने अपने घर में रसोई बना ली और बनाने के उपरांत बर्तनों का मर्जन कर रही है, परिमार्जन कर रही है और बस उन्हीं हाथों से छोड़कर कोई बर्तन साथ लेके जा रही। रात्रि में हम रसोई का लेपन करते हैं, अब आप लोग तो क्या करते होंगे, पहले रसोई बनने के उपरांत रोज रात्रि में रसोई की स्वच्छता करने के उपरांत उसका लेपन होता था गोमय से। तो वो गोबर से लेपन कर रही है और जैसे ही सुनती है भगवान की बांसुरी को, उन्हीं हाथों से बस भगवान कृष्ण दर्शन लालसा, जगौ कलम वाम दृशा मनोहर निशम्य गीतौ तदनु। उन गोपियों के प्रेम का ऐसा ज्वार कि अब कोई रोकना चाहे तो रुक नहीं सकता। जो जिस स्थिति में है वो गोपी भगवान के दर्शनों के लिए उनके निकट पहुंचने का प्रयास कर रही है। अंतर्गृहिता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, पराकाष्ठा देखिए, जिस किसी गोपी को यदि उसके घर वालों ने रोकना भी चाहा, उसे घर के द्वार में बंद कर दिया, तो उस गोपी ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए और अपने आत्म तत्व के साथ भगवान के चरणों में पहुंच गई। क्योंकि गोविंदा प्रियतात्मनो मन, भगवान ने उसकी आत्मा को, उसके चित्त को, उसके मन को पहले ही हरण कर लिया है। उसने पहले ही भगवान को सब कुछ सौंप दिया। वो तो एक शरीर मात्र है, पांच भौतिक शरीर उसने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पहुंचना भगवान के चरणों में। कृष्ण दर्शन लालसा, ये संबोधन है गोपियों के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा, ये लालसा इतनी व्याकुल है, इतनी अधिक है कि कोई रोकना चाहे तो भी रोक नहीं सकता। ध्यान प्राप्ताश्चितश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, भगवान के स्मरण मात्र से ही जिसके समस्त अमंगल क्षीण हो गए हों, उस गोपी ने भगवान को अपना आत्म तत्व समर्पित कर दिया। अब सभी गोपियां धीरे धीरे करते करते ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं सब भगवान के निकट पहुंचने लगी। और वो वृंदावन का, यमुना का पुलन पुण्य
परम पावन पुनीत तट उन गोपियों से भर गया और उस कदंब वृक्ष के नीचे भगवान खड़े होकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। भगवान सुंदर वेणु निनाद कर और चारों तरफ से गोपियां ने भगवान को घेर लिया और गोपियां भगवान के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं, गदगद हो रही हैं कि आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई है आज हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, हमारी वो मनकामना। भगवान ने वचन दिया है इन गोपियों को। जब गोपियां भगवान के निकट आ गईं, भगवान को प्राप्त कर लिया उस कांत भाव में, तो परीक्षित ने कहा, भगवान मैं आपको बीच में कथा कहते हुए रोकना चाहता हूं, मेरी एक शंका है, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका समाधान कर दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा, पूछो राजन, क्या तुम्हारी शंका है, इस लीला में तुम्हें कौन सी शंका आ गई। कहा, भगवान मैं इतने दिनों से आपसे कथा सुन रहा हूं और आपने मुझे ये सुंदर उपदेश दिया है कथाओं में कि जो भगवान को परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वनियंता सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान मानता है उसे ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो मैंने क्या अनुचित कहा राजन। भगवान मेरी शंका ये है, कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताशां गुणव्यां कथम कथम कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। आपने जो उपदेश दिया कि भगवान को परात्पर परमेश्वर परब्रह्म मानने वाला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु गोपियों की तो भगवान में ऐसी कोई गति नहीं। गोपियां तो भगवान को कृष्ण परम विदु कांतम अपना कांत मानती है, अपना प्रियतम मानती है, अपना पति मानती है। तो जो भगवान को प्रियतम माने उसे भगवान मिल जाए, ये कुछ समझ में नहीं आया। भगवान कथम ऐसा क्यों हुआ। उन गोपियों की भगवान में पर ब्रह्म होने वाला भाव तो है नहीं, उन्होंने किसी भी दृष्टि से भगवान को पर ब्रह्म नहीं माना, अपना प्रियतम माना, कांत माना, अपना सखा माना। तो इन गोपियों ने इतने सहज में कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान कैसे उन गोपियों को मिल गए। तो भगवान सुखदेव परीक्षित की शंका का समाधान करते हैं। उक्तं पुरदस्तादे तत्ते चैत्यं सिद्धियं यथागतः। राजन मैंने तुम्हें पहले ही एक कथा सुनाई थी, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं था उस समय। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्यम सिद्धिम यथागतः, चैत्यः सिद्धिम यथागतः। चैत्य देश का राजा कौन, शिशुपाल। जब शिशुपाल का वध हुआ था उस समय का प्रसंग तुम्हें कुछ याद है। महाराजन भगवान याद तो है पर उसमें क्या विशेष। उसमें विशेष ये था राजन कि जब शिशुपाल का वध हुआ था
और शिशुपाल का उद्धार होते ही, जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया, तो उसके उस पांच भौतिक शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो जाती है। उस दृश्य को युधिष्ठिर जी ने, तुम्हारे दादा ने देखा, और जिस प्रकार शंका तुम्हें आज हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारे दादा को वहां शंका हुई। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि देवर्षि, जिस शिशुपाल ने भगवान का इतना अपराध किया, इतने अपशब्द कहे, भगवान ने उस शिशुपाल को भी वो परम गति प्रदान करी जो किसी तपस्वी संत भगवान भगवान के परम भक्त को मिलती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते। ऐसा इसलिए होता है राजन कि भगवान की भक्ति काम क्रोध लोभ मोह भय या स्नेह से किसी भी प्रकार भगवान की भक्ति की जाए, वो अंत तो गत्वा भगवान को प्राप्त कराने वाली होती है। कहा भगवान ऐसा कैसे? देखो, क्रोध से शिशुपाल, रावण, कंस इत्यादि ने क्रोध से भगवान की भक्ति की, बोले इस भक्ति में, इस क्रोध में कैसे भक्ति? बोले बताओ, शिशुपाल ने अपशब्द किसको कहे? भगवान को कहे। तो जितने भी वो भगवान को अपशब्द कहता था, भगवान को गालियां देता था, तो उसमें चिंतन किसका होता था? भगवान का होता। शिशुपाल के मस्तिष्क में निरंतर भगवान को क्या कहना है यही चलता रहता था, कौन कौन सी गालियां देनी, वो नई नई गालियां घड़ के लाता था। उसका एक ही काम था, जैसे कवि कोई कविता रचना करता है, वो गालियों की रचना करता है कि आज मुझे कृष्ण को ये गालियां देनी है और कल मुझे ये गालियां देनी है, और खुद के पास नहीं मिलती तो इंटरनेट से गूगल से सर्च करके निकाल लेता था। एक से एक गालियां भगवान के लिए। तो इसलिए कभी विचार मत किया करो कोई आपको गाली दे रहे थे। जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो साधारण जीव हैं, देने दो, उसकी गालियों से, उसके अपवित्रता से, उनके उसके अपशब्दों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वाणी उसी की अपवित्र होगी। हमारे मुख से तो सदैव क्या निकलना चाहिए? साजिवामृत भाषण नृपुयास्तौ तु नारायण सा बुद्धिर्विमलेन्दु शंख धवलाया माधव व्यापिनी। हमारी बुद्धि में सदैव भगवान रहने चाहिए और हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहना चाहिए। जिसको जो कहना है वो कहता रहे। तो शिशुपाल के क्रोध में, अपशब्द में निमित्त भगवान थे, और भगवान को गाली देने के लिए, अपशब्द कहने के लिए निरंतर उसका चिंतन भगवान में बना रहता था, इसलिए उसकी गति भगवान ने वही की जो किसी भक्त की होती है। भयम स्नेहम,
और कोई वैर भाव से भगवान को भजता है। जितने भी देवते हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, इनका उद्धार क्यों होता है भगवान के हाथों से? वो इसीलिए होता है कि वो भगवान को निरंतर वैर भाव से भजते रहते। उनके वैर भाव में भजन किसका है? भगवान। तो कामम क्रोधम भयम स्नेहम, और भय से तो हम करते ही हैं। आप हम सभी तो भय से ही भगवान का भजन करते हैं। भावना कम होती है, भय ज्यादा होता है। हे राम, आपने तो भगवान बचा लिया। जो ही कैसे कुछ भय डर लगेगा, सबसे पहले भगवान याद आते। वन में जाओ, रात्रि का समय है, मार्ग में चल रहे हो और एकदम कोई पीछे से आवाज आई, ओहो, तो क्या होता है फिर? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। अच्छा, और किसी का भय हो तो भगवान याद आए ना आए, लेकिन भूत का भय हो तो भाई सबसे पहले भगवान याद आते। जैसे पता चले यहाँ कहीं आसपास भूत है, कोई कह भी दे गलती से ऐसे डराने के लिए कि उधर से मत जाना, उस मार्ग में चाणस हुए चाणस। बोले बटिन चले गए, चाणस हो जाओ लो। तो अब किसी परिस्थिति वश उस मार्ग से निकलना पड़े, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको उधर से ही जाना है, रात्रि का समय हो और अचानक कोई तेज हवा चले, आहा, क्या स्थिति होगी। और जब उस मार्ग को आपने पार कर लिया, हे भगवान, आज तो भाई बच गया। भय भिनु होए न प्रीति है, भय भी आवश्यक है हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए। पर ऐसे दुष्ट राक्षस पापी भी होते हैं जिनको भगवान का भी भय नहीं होता, और वही ऐसे दुष्कृत्य दुष्कर्म करते हैं। भगवान से तो डरना ही चाहिए, क्योंकि जब वहां पर अंधेर नहीं, देर अवश्य, पर इस बार तो देर ही नहीं की, 5-7 दिन में ही खेल हो गया। तुरंत दंड लो, चलो कुछ तो लाभ है अच्छे प्रशासन का, तुरंत न्याय मिल रहा है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, नित्यं हरौ विदधौ यान्ति तन्मयतां। भाव कोई भी हो, यदि नित्य प्रति भगवान का स्मरण है, चिंतन है, तो हमें वो भगवान की ओर ही लेकर जाता है। न चैवं विस्मयः कार्यो भवतां भगवत्यजे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। भगवान का ध्यान, भगवान की स्मृति, किसी भी प्रकार, किसी भी भाव से। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे इस भाव से भजो, इस भाव से मेरा भजन करो,
मुझे केवल भगवान ही मानो, नहीं आपका यदि मुझ में भाव सखा का है तो मुझे आप सख्य भाव से मेरा भजन करो। आप मुझे अपना अपना स्वामी मानते हो तो स्वामित्व के भाव से आप मेरा भजन करो। आप मुझे पिता मानते हो तो पिता के भाव से, आप मुझे पुत्र मानते हो है? हमारे मोहित जी के जो घर से हैं वीना जी, वो अपने इन लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानती हैं और उसी भाव से उनका भजन करती हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत प्रसन्न है सब लोग। किसी भी भाव से भगवान कहते हैं मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप किस भाव से मेरा भजन करते हो, किस प्रकार मेरा भजन करते हो, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप मेरा कितना भजन करते हो, कितना भजन। भाव कोई भी हो सकता है, भगवान से रिश्ता हम किसी भी रूप में जोड़ सकते हैं, पर रिश्ता जोड़िए तो सही। प्रहलाद जी ने यही कहा अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कि भगवान के पिताश्री, भगवान के कृपा प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, भगवत भक्ति के अनेक प्रकार हैं, जो चाहे जो कर लो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पर करो तो सही। तो राजन, भगवान की इस भगवत्ता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। गोपियों ने यदि भगवान को आज पाया है तो इसके पीछे उन गोपियों की, तुम इस रूप में इस जन्म में केवल उन गोपियों को मत देखो। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां शास्त्र रूपा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, देव पत्नियां, इन सबको भगवान ने वचन दिया है कि जब द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा तो समय सब तुम ब्रज गोपियां बन जाना, तुम सबकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आज वो गोपियां ब्रज में आई हैं। अनेक कारण है भगवान के इस उज्ज्वल रस की महारास लीला के, अनेक कारण है। उसमें से एक, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार धारण करके धरातल पर पधारते हैं और दंडकारण्य दंडक वन जो होता है उसमें भगवान विचरण कर रहे होते हैं, तो उस वन में निवास करने वाले जितने भी ऋषि हैं वो भगवान को जानकी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में विचरण करते हुए जब दर्शन करते हैं तो सभी ऋषि एक ही मन में, सबके एक ही भाव होता है कि हमें भी कभी भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, भगवान की सहचरी भाव से शुश्रूषा करने का सौभाग्य मिले। ये उन सब ऋषियों की अभिलाषा है। कितने सौभाग्यशाली हैं लक्ष्मण जी, माता जानकी, जो निरंतर भगवान की सेवा में है। सभी ऋषियों ने भगवान को निवेदन किया कि भगवान ये अवसर, ये सौभाग्य हमें भी मिले जो माता जानकी को आपने प्रदान किया है। राघवेंद्र सरकार ऋषियों से कहते हैं, ऋषिजनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में हूं, जब लीला अवतार होगा, लीला पुरुषोत्तम के अवतार में द्वापर के अंत में जब मैं पुनः आऊंगा तब आप उस ब्रज में गोपियों का रूप धारण करके आना, आपकी ये अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाए। तो ये समस्त वो ऋषियों का रूप, गोपियों का रूप धारण करके वो ऋषि आए हुए हैं। भगवती श्रुतियों ने भगवान से निवेदन किया
वेद की ऋचाओं ने भगवान से कहा कि भगवान आपकी जो उज्जवल सरस रस लीलाएं हैं इनका सौभाग्य हमें कैसे मिल सकता है। भगवान ने उन्हें भी यही आशीर्वाद दिया कि ब्रज में आ जाना गोपी बनकर। तो ये सब विशेष हैं, कोई साधारण ग्वाल बालों की पत्नियां नहीं हैं। इन सबको भगवान ने पूर्व से ही वचन दे रखे हैं। एक ये उद्देश्य है। दूसरा इसका क्या कारण है, जब भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होता है भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है, उसी समय वहां पर कामदेव प्रकट होता है और भगवान से कहता है, भगवान आप इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। बोले मैंने रावण पर विजय प्राप्त की है, मैंने विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को पराजित किया है। तो कामदेव ने कहा, भगवान आपने अवश्य ही रावण को पराजित कर दिया, संपूर्ण विश्व पर चाहे आपने विजय प्राप्त कर ली, पर जब तक आप मुझे नहीं जीत लेते तो आपको मैं विश्व विजयी नहीं मानता। भगवान ने कहा, कामदेव आपकी ये अभिलाषा भी पूर्ण कर देंगे। बोले मुझे आपसे युद्ध करना है। बोले अब तो जितने युद्ध करने थे वो सब हम कर चुके इस अवतार के, तो ऐसे करना जब कृष्ण अवतार हो, और इस समय तो तुम मुझे वैसे भी परास्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं तुम्हें इतना सुंदर अवसर दूंगा मुझे हराने का, अभी तो तुम उद्दीपन कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा उद्दीपन हो ही नहीं सकता, परंतु तुम्हें सही अनुकूल समय में दूंगा। जो कामोद्दीपन का अनुकूल समय होता है शरद ऋतु है, और सुंदर गोपियां मेरे चहु और हजारों गोपियां रहेंगी, उनके बीच में केवल मैं एक पुरुष रहूंगा, तुम उस समय आना मुझसे युद्ध करने के लिए, और जितना हो सके अपना पूरा प्रभाव लगा लेना, अपनी शक्ति लगाना, फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो ये भगवान की काम विजयी लीला भी है, ये महाराज लीला, ये रास के 5 अध्याय जिसमें भगवान उस उज्जवल रस की लीला का आनंद प्रदान करते हैं। तो यहां पर गोपियां आज भगवान को प्राप्त करके कृतकृत्य हो रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। उन गोपियों के चित्त का हरण करने वाली भगवान की वेणु का निनाद, और उसे सुन के जब सब गोपियां भगवान के निकट आ गई, तो यहां पर एक प्रश्न हुआ कि जब जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम, जब संपूर्ण चराचर जगत को, जड़ चेतन को, सभी को मोहित करने वाला भगवान की वंशिका निनाद है, तो वहां पर केवल गोपियां ही क्यों आई, सभी को आना चाहिए था। उस समय उस व्रज में उस वन में केवल उसी का प्रवेश है जिसके हृदय में भगवान के प्रति सहचरी भाव है, भगवत सेवा का वह सुंदर उज्जवल रस का गोपी भाव है, केवल उसी का वहां पर प्रवेश है और उसी के लिए आह्वान है भगवान की वंशी। यदि वहां चलना है, भगवान की इस लीला में प्रवेश करना है, तो अपने हृदय में उस गोपी भाव का एक लेश मात्र भी यदि बीजांकुरण हो जाए,
तो हमें उसकी कुछ अनुभूति हो सकती है। हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं कि उसका पूर्ण अनुभव कर सके, परंतु कुछ उसका अंश हमें मिल सकता है। और वो कब? जब हमारे मन में हम स्वयं को गोपी समझे। गोपी का अर्थ केवल कोई स्त्री नहीं है, उन ग्वाल बालों की पत्नियां ही गोपी नहीं। गोपी एक भाव है, सहचरी एक भाव है। और हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में तो सहचरी भाव ही श्रेष्ठ है। हमारे समस्त आचार्यों के बड़े सुंदर सुंदर सहचरी के नाम हैं। निम्बार्क भगवान का रंग देवी जी, हरिप्रिया श्री हमारे हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के, सभी के बड़े सुंदर सुंदर सहचरी नाम हैं। उसी भाव से सभी ने भगवान का भजन किया है, भगवान की सेवा की है। तो आज उन गोपियों को जब भगवान प्राप्त हुए, गोपियां जब आ गई हैं भगवान के निकट, तो भगवान ने अपने नेत्र खोले। जिन भगवान सुंदर वंशी विभूषित करा नवनीर लावात, वंशी बजाते हुए भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले तो सामने देखा गोपियां आ गई हैं। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः, व्रजश्यानेनाकाश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपांगनाओं, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वन में, इस यमुना के पुनित पुलिन पावन तट पर। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। परंतु एक बात बताओ, ब्रूता गमन कारणम ब्रजशानैनम कश्य, तुम यहां पर क्यों आई हो? क्या ब्रज में सब ठीक है? सब कुशल मंगल? तुम्हारे परिवार में सब ठीक है? बंधु बांधव पुत्र माता पिता सब ठीक है? तुम्हारे क्यों आई हो यहां? गोपियां विचार करें, ये कौन सी बात हो? आपने स्वयं अपनी वंशी को बजाकर हमें बुलाया है, और आज के दिवस के लिए आपने हमें पूर्व से ही संकेत किया था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, शरद ऋतु में जब फूल खिले आएंगे, तुमने किया था वादा रास रचाएंगे। आपने ही तो कहा था भगवान की जब शरद पूर्णिमा आएगी तो उस रात्रि में सुंदर रास करेंगे। आज वो रात्रि है और आप पूछ रहे हैं क्यों आए हो। शरद ऋतु में जब फूल खिले आएंगे, तुमने किया था वादा रास रचाएंगे। चंदा की चांदनी में रच रास रे, आप शायद भूल गए भगवान जो आपने वचन दिया था। आज वो समय है। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, पर रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इस जंगल में इस रात्रि में तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। नाना प्रकार के वन्य जीव यहां पर रहते हैं, तुम अबला स्त्री हो, तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना हो, ये सोचना चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए। ब्रजशानैनम काश्चित्, इसलिए
प्रतियात ब्रजम। फिर से ब्रज को लौट जाओ, चली जाओ, जहां जहां अपने अपने घर से आई हो सब अपने अपने घर को लौट जाओ। नहीं आना चाहिए तुम्हें। गोपियों ने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है, जाएं तो कहां, आपने ही तो हमें बुलाया। पहले तो आह्वान किया अपनी बांसुरी से, जब हम आ गई तो हमें कहते हो कि चले जाओ। हमें कोई आने का शौक नहीं था श्याम सुंदर यहाँ पर, हम तो बैठी थी अपने घर में, अपने अपने सब काम कर रही थी। मैं भोजन बना रही थी, मैं दूध गर्म कर रही थी, मैं अपने बालक को खिला रही थी, ये तो आपकी बांसुरी बजी तो हमें आना पड़ा। आपकी बांसुरी में उस भगवान की वेणु के निनाद में निशम में गीतम तदनंग वर्धनम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम में प्रत्येक गोपी का आह्वान था, उन गोपियों को अपना स्वयं का नाम सुनाई दे रहा था, इसलिए रोक नहीं पाई। नहीं है वश में, हमने चाहा भी बहुत स्वयं को रोकना, पर हम रोक नहीं पाए। नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है वश में ये मन हमारा, न जाने कैसी लगन लगाई। तुम्हारी बंसी बजी तो कान्हा, हमें तुम्हारे समीप है अपना मारा।
हमारे लिए तो तुम्हारे चरणारविंद ही सब कुछ है। तुम ही कौन है पातिव्रत धर्म का। भगवान ने गोपियों को यहां पर उपदेश दिया है। गोपियां कहती है यहां पहले तो बांसुरी बजाई और हमें यहां बुला लिया, और जिस कारण हमें बुलाया वो तो कर नहीं रहे और यहां पर ज्ञान बांट रहे। भगवान ने कहा गोपियों देखो सुनो, तुम जो अपने घर को छोड़कर आए हो ये तुमने उचित नहीं किया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस वन में। इस प्रकार रजन्नेशा घोर रूपा, और दूसरा तुम्हारे आने का कारण क्या है, घर में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो कभी भी कुलीन स्त्री को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे घर में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके माता पिता आपका भरण पोषण करने में यद्यपि असमर्थ हो तो भी कभी माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे माता पिता सामर्थ्यवान नहीं है तो हम उन्हें छोड़ जाएं, वो अपने करते रहेंगे जो करना है, हम तो ये चले। इसीलिए तो आजकल ये वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं हो गई। पहले कहाँ था वृद्धाश्रम, कभी नहीं होता था, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं। तो इसलिए माता पिता को छोड़ना भी उचित नहीं। और यदि तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो तो ये तो तुमने
बहुत ही अनुचित किया। अब चाहे तुम मुझे कोई भी कारण बताओ, परंतु किसी भी परिस्थिति में दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पुरा पति स्त्रीर्भिर्न हातव्यो, पत्नी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां पर भगवान उपदेश दे रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पति दुशील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो जाए, रोगी हो, मूर्ख हो, पागल हो, पर एक पतिव्रता स्त्री के लिए कभी भी पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया भगवान ने कि पतिव्रती स्त्री की कितनी महत्ता होती है, कितना महात्म्य होता है। गोपियां भगवान के उपदेश को सुन के कहती हैं, श्याम सुंदर उपदेश मत दो, जिस निमित्त हम यहां पर आई हैं वो अपना उज्जवल रस, वह प्रेम रस हमें पिलाइए। भगवान ने कहा गोपियों उसको सुनने से पहले एक बार जान तो लो कि स्त्री का घर छोड़कर ऐसे भागकर आना उचित है कि अनुचित है। कल न समाज मुझे कहेगा कि मैं भगवान होकर मैंने उन गोपियों को विवश कर दिया था घर से भागने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, कि पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है, उसको पालन हर परिस्थिति में उसका पालन होना चाहिए। भगवान ने एक दृष्टांत दिया गोपियों को। भगवान गोपियों से कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री जब अपने पति की सेवा करती है तो उसका पातिव्रत धर्म पालन करने के कारण इतना प्रभाव हो जाता है कि उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो कहा भगवान उदाहरण बताओ। कहा एक पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन कराते कराते उसकी गोदी में बैठा हुआ उसका बालक घुटनों से चलते हुए रसोई में चला जाता है जहां पर चूल्हा जल रहा है। अब वो गोपी, यदि वो पत्नी अपने पति को भोजन कराने से पहले ही वहां से उठ जाती है तो उसकी सेवा का अपराध होता है, पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, वो छोड़ नहीं सकती। और यदि अपने पुत्र को रोके नहीं तो पुत्र चूल्हे में चला जाएगा, तो क्या करे। तो उस पत्नी ने प्रधानता किसको दी, अपने पातिव्रत धर्म। उसने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी, जाने दिया अपने पुत्र को। और जब उसका पति भोजन कर लेता है, कुछ नहीं बोलती, उठकर जाकर देखती है रसोई में तो चूल्हे में वह उसका पुत्र यथावत खेल रहा है, हंसता हुआ। तो बताओ गोपियों ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि पति व्रता साप भये न पीड़ितो, सदैव पति की सेवा करने वाली वह पतिव्रता स्त्री में इतना तपोबल हो गया कि उसके तपोबल के श्राप के भय के कारण अग्नि देव भी डर गए, उनमें सामर्थ्य नहीं हो पाया कि उस पुत्र को जला सके, भस्म कर सके। इसलिए कहता हूं लौट जाओ, अपने अपने घर को चली जाओ। हाँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चले जाओ।
गोपियों ने कहा तो बात तो आपकी ठीक है, पर गोपियां कौन सी 19 रहने वाली थी। उन्होंने कहा भगवान एक हमारा भी सुन लो, आपने सुनाया बहुत सुंदर, आपका उदाहरण आपकी आज्ञा सिरोधार्य। वो कहते हैं ना अपने मारवाड़ी पंचा को सिर, पंचा को हुकुम सिर माता पर पंडालो तो टे पैड़ी। तो आपने कहा हम स्वीकार करते हैं, पर एक निवेदन हमारा भी सुन लो। भगवान ने कहा सुनाओ भाई। तो भगवान एक पतिव्रता स्त्री है, वो भी अपने पातिव्रत धर्म का निरंतर पालन करती है, कभी कोई चूक नहीं होती, त्रुटि नहीं होती, उनकी सेवा करने के बाद ही भोजन करती है। अब उसके पति को कहीं विदेश जाना है किसी काम से, तो अपने पति से कहती है कि भाई पतिदेव आप चले जाएंगे मेरा क्या होगा। तो पति ने एक चित्र दे दिया उसको, और इसकी सेवा कर लेना, इसे भोग लगा लेना और इसके बाद भोजन कर लेना, तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। तो वह पत्नी नित्य प्रति यही सेवा करती है। अब कुछ महीनों बाद जब उसका पति लौट कर आता है तो आज द्वार पर उसके पति ने अपनी पत्नी को पुकारा कि हे प्रिय द्वार खोलो, मैं द्वार पर हूं। ठीक उसी समय वह चित्र के सामने बैठकर उसका भोग लगा रही होती है। तब गोपियां भगवान से पूछती है कि भगवान आप एक बात बताइए, इस परिस्थिति में आपके अनुसार क्या करना चाहिए, आप इसका समाधान बताओ। तो भगवान ने कहा करना क्या चाहिए, उस पत्नी को जाकर दौड़कर अपने घर का द्वार खोलना चाहिए और पति को घर के भीतर लेना चाहिए। अरे जब उसका वास्तविक पति उसके सन्मुख है तो फिर उस निर्जीव चित्र की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कहा भगवान आपका यही उत्तर है। बोले हाँ यही उत्तर है, तो बस आपसे यही उत्तर चाहिए था। भगवान जब आप चराचर जगत के पति हमारे सन्मुख विद्यमान हैं, तो हम उन निर्जीव पांच भौतिक शरीरधारी पतियों के पास कैसे चलें। हमारे स्वामी तो आप हैं, आप हमारे मालिक हैं। भगवान ने कहा भाई गोपियों ने बाजी मार ली, ये तो नैले पर दैला हो गया। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, अब तुम चाहते ही हो तो महाराज प्रारंभ करते हैं। श्रवणा दर्शना ध्यायान मई भावो नु कीर्तना न यथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृह। भगवान ने बहुत समझाया गोपियों को कि मेरे निकट आने से कहीं ज्यादा दूर से यदि कोई मेरा स्मरण करता है तो मैं उस भक्त पर विशेष कृपा करता हूं, इसलिए तुम लौट जाओ। गोपियों ने नहीं माना और भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप हमें वह महाराज पान कराइए। भगवान ने उन गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर गोपियों के साथ में सुंदर महाराज किया है। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान रूप धारण करके जितनी गोपियां हैं उतने भगवान बन गए। उद्गीयमान उद्गायन वनिता सतयूथ बाहु प्रसार परीरंभ कराल कोरू। एक से एक हाथ जोड़कर भगवान ने सब गोपियों के साथ में सुंदर घेरा बनाया है और महाराज करने लगे। तासाम तद सौभाग्यमदं वीक्षमानं च केशव। जब गोपियां भगवान के साथ में नृत्य करने लगी
भगवान को अपने निकट पाकर उन गोपियों के मन में क्या हुआ? तासाम तद सौभाग्य मदम, अपने भाग्य पर उन्हें मान होने लगा, गर्व होने लगा कि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, सबसे सुंदर हैं। क्योंकि आज भगवान स्वयं हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं तो निश्चित हमसे अधिक कोई श्रेष्ठ, सुंदर, सौभाग्यशाली नहीं। सौभाग मद हो गया गोपी। और यदि किसी भक्त को, भगवान के प्रिय जन को किसी भी प्रकार का मद हो जाता है, वो भगवान को कतई स्वीकार्य नहीं। तो जैसे ही गोपियों के मन में मान आया, भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्गृहिते भगवती, अंतहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। उन ब्रजांगनाओं के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए, जहां तो अभी गोपियों को सुंदर रास का आनंद मिल रहा था, और कहां भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। करेण्योत्थपम, जिस प्रकार हथनियों के मध्य से हाथी विलुप्त हो जाए, ये एक उदाहरण दिया है यहां पर भगवान ने। अब वो गोपियां भगवान को अपने निकट न पाकर अत्यंत व्याकुल हो जाती है, और भगवान को चहुं ओर ढूंढने लगती है, खोजने लगती है कि कहीं तो श्याम सुंदर मिल जाए। गायन्ते उच्चैर्मुमेव सहता, उच्च स्वर में भगवान को गायन करके पुकारती है, अरे श्याम सुंदर, हे कृष्ण चंद्र नंद नंदन भगवान, तुम कहां चले गए? हमें इस उज्जवल रस से वंचित करके, उस सुख से वंचित करके कहां चले गए? उन गोपियों की ऐसी दशा है कि भगवान के विरह में वृक्ष से, लताओं से, पताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछती है कि किसी ने हमारे श्याम सुंदर को देखा? कोई गोपी उधर ढूंढती है, कोई उधर ढूंढती है, कोई लताओं से, पताओं से, कोई तुलसी से पूछती है, हे कल्याणी तुलसी, तुम सदैव भगवान को प्रिय रहने वाली हो, क्या तुमने श्याम सुंदर को कहीं देखा? तुम्हारे बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते, तो तुम्हें तो अवश्य पता होगा कि श्याम सुंदर कहां चले गए। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछ रही है, तुम्हें अवश्य पता, तुम पर विशेष कृपा रहती है, बता दे सखी कौन गए श्याम, दे सखी कौन गए श्याम, बता दे सखी कौन गए श्याम, बता दे सखी कौन गए मथुरा ढूंढ वृंदावन डोला, मथुरा ढूंढ वृंदावन।
लताओं से वृक्षों से एक ही प्रश्न के किसी ने श्याम सुंदर भगवान को ढूंढती ढूंढती गोपियां धन्या हो अमी आल्यो गोविंदांग्र चरेणा। कितना हमारा सौभाग्य हुआ कि हमें भगवान मिले, हमारे साथ नृत्य करने लगे, पर भगवान ने हमें इस बीच मझधार में छोड़कर इतना असहाय बना दिया। कहाँ गए वो श्याम सुंदर? भगवान को ढूंढती हुई गोपियां, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके भगवान को पुकार रही हैं श्याम सुंदर, हे कृष्ण चंद्र नंद नंदन तुम कहाँ चले गए? अब हम तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि तुम मिल जाओ हमें, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते, इसलिए आप जहां भी हो हमें आकर दर्शन प्रदान करो। इस प्रकार विरह वेदना में व्याकुल गोपियां यमुना जी के पावन तट पर सभी एकत्रित होती हैं और परस्पर ये विचार करती हैं कि श्याम सुंदर को हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे, अब तो उनकी कृपा ही हमें ढूंढ सकती है। पुनः पुलिनमागत्य पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना सममेता जगो कृष्ण। कृष्ण को ढूंढती हुई सभी गोपियां पुनः पुनर्मागत्य यमुना जी के तट पर आकर एक स्वर से भगवान को पुकारती हैं। गोपियों ने जिस भाव से भगवान को पुकारा है, जिन शब्दों में, जिस काव्य में, उस भाव का नाम है गोपी गीत। क्योंकि प्रथम तो भगवान को गायन प्रिय है, कोई गाकर यदि भगवान को पुकारता है तो भगवान बहुत शीघ्र उसकी सुनते हैं। भगवान का भजन करने से, तपस्साधना करने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से, फिर भी भगवान को प्राप्त करने में हमें किंचित देरी हो सकती है, परंतु यदि कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान को गाकर बुलाता है, तो भगवान शीघ्र आते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियां अपने भाव गीत के माध्यम से भगवान के चरणों में प्रेषित करती है। इसी भाव का नाम गोपी गीत है, इसे विरह गीत कहा जाता है। गोपियों का विरह भाव इस गीत के माध्यम से प्रकट होता है और इसी गीत को प्रणय गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इस गीत को गाने के बाद भगवान गोपियों को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत महिमा है इस गोपी गीत की। जो कोई सप्त दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत का श्रवण न कर सके, वो केवल मात्र दशम स्कंद का श्रवण कर ले तो उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल मिल जाता। दशम स्कंद न सुन पाए कोई बात नहीं, ये रास के 5 अध्याय श्रवण कर ले तो उसे श्रीमद् भागवत का फल मिल जाता है, और ये रास के 5 अध्याय भी न श्रवण कर सके तो केवल मात्र एक ये गोपी गीत श्रवण कर ले, उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्राप्त होगा। संपूर्ण भगवान की कथाएं इस गोपी गीत में सहित, और भगवान को जितने भी गीत हैं, जितने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, उन सब में प्रिय ये भगवान का गोपी गीत है। यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे गोपियों ने गाया है वैसे कोई मुझे गाकर बुलाए तो मैं उसे सहज में मिल जाता हूं। यथा ब्रज गोपी का नाम,
तो समय का अभाव है इसलिए पूरा गोपी गीत तो हम नहीं गा पाएंगे, परंतु कुछ श्लोक मेरे साथ में आप सभी गाएंगे। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी विरह वेदना उनके चरणों में रखी है कि हे श्याम सुंदर। जयति तेजिकं जन्मनाहृद रही। गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान आपने इस ब्रज में जन्म ही हमारे निमित्त लिया है, आपका इस ब्रज में जन्म लेना
हमें कृतार्थ करना और हमारी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति। तो फिर आज ये इस महारास लीला से हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? आपके जन्म लेने के कारण ब्रज की महिमा अनंत हो गई है। जन्म ना ब्रज, लक्ष्मी जी उस वैकुंठ को छोड़कर इस ब्रज में निवास करने लगी है। इस ब्रज में जहां देखो वहीं पर आप ही आप विद्यमान हैं। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन नार सकल गोकुल की बोलत मोहनी वाणी। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, जहां आप ही आप विद्यमान हैं। तो इस ब्रज की महिमा आपके जन्म लेने के कारण अनंत हो गई है। विष जला प्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेद्युतान लाल। हे श्याम सुंदर, आप हमें अपने इस वियोग जन्य संताप से क्यों मारना चाहते हैं? यदि आपको हमें इसी प्रकार मारना था तो फिर क्यों विष जला प्याद व्याल राक्षसाद, उस कालिया नाग के विष से हमें क्यों बचाया? क्यों उस अघासुर प्रलंबासुर व्योमासुर तारकासुर कौन कौन से असुर जितने असुर थे उन सब से हमारी क्यों रक्षा की? हमें मरने दिया होता उन दैत्यों के हाथ से, उनके हाथों से मरने में वो कष्ट नहीं होता जितना आज आपके विरह वेदना में हम तड़प तड़प कर रहे हैं। विषवते वयम रक्षिता महो। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप जहां भी हो आकर हमें दर्शन दीजिए। आपके दर्शनों के अतिरिक्त हमारे जीवित रहने का अब और कोई उपाय है ही नहीं। प्रथम तो आपने हमें वो उस उज्जवल रस का कुछ पान करा दिया, या तो आप हमारे साथ रास करते नहीं। आपने रास प्रारंभ किया और प्रारंभ करके आप मध्य में हमें छोड़कर चले गए, ये उचित नहीं है। आप भूल गए, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्म त्रिक। आप कोई माता यशोदा के पुत्र केवल कृष्ण नहीं हो, आप कौन हो? आप अखिल देहि नाम अंतरात्म त्रिक, आप चराचर जगत के स्वामी, निखिल जगत विन्नोपादान कारण। इस जगत में जो भी प्राणी जीवित हैं वो आपके ही अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, आपके द्वारा ही संचालित है। तो आप जब सब कुछ जानते हो, घट घट व्यापी हो, अंतर्यामी हो, अंतर्दृष्टा हो, तो क्या आपको हमारे हृदय की विरह वेदना दिखाई नहीं देती? विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान सार्थितो। हे सखे, हे हमारे प्रियतम कान, आप हमें दर्शन प्रदान करो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री। एक एक श्लोक इस गोपी गीत का इतना अद्भुत है कि यदि एक श्लोक का हम सुंदर भावानुवाद करने लगे, गुणानुवाद करने लगे, तो कई दिवस व्यतीत हो जाते। मैं बड़ा संकुचित हो जाता हूं जब कथा के मध्य में गोपी गीत आता है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इसमें भाव है। उन सभी भावों को अभिव्यक्त कर पाना इस समय सीमा में संभव नहीं, और भावाति रेग को रोक पाना वो भी हमारे लिए बड़ा कठिन और दुष्कर होता है।
उस गोपियों के एक एक शब्द में जो भाव है, प्रणत देही राम पाप कर्षणम, हे प्यारे श्याम सुंदर। चलो आप पूरे हमें दिखाई मत दो, दर्शन मत दो, कोई बात नहीं, केवल आपके जो वो चरणारविंद है ना, जो तृण चरानुगम श्री निकेतनम, जो गौ माता के पीछे पीछे वन में जाते हैं गौ चारण कराने के लिए, वो सुंदर चरणारविंद हमें दर्शन करा दो। उन चरणों के अतिरिक्त हमारा और कोई आश्रय नहीं। फणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, कौन से चरणारविंद, जो फणी फणार पितम, जो आपने काली नाग के फण पर अर्पण किए थे, नृत्य किया भगवान ने काली नाग पर, तो वो आपके सुकोमल चरणारविंद वो हमें प्रदान कीजिए। चरण ये दे दो शरण में ले लो, इनके लिए हम सब छोड़ो, इन चरणों को प्राप्त करने के लिए ही हमने सब कुछ छोड़ा है। और आपके चरणों के अतिरिक्त तो हमारी गति है ही नहीं, नान्या गति कृष्ण पदारविंदा, आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं हमारी गति है। हमें स्मरण होता है और जैसे जैसे स्मरण हो रहा है तो आपको प्राप्त करने की व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनो गया पुष्कर इच्छा सुघड से, हम आपकी उन लीलाओं का, आपके उस सुंदर सुभग स्वरूप का चिंतन कर रही हैं तो आपको प्राप्त करने की व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। रद रसी धुना प्याय यश्वन, वह सुंदर उज्जवल रस हमें आप पान कराइए। यूं तो कहा जाता है तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम सभी चिंतन कर रहे हैं ना कि भगवान की कथा समस्त तापों का शमन करने वाली है, सबका सब ताप शांत हो जाते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। मैं भी कह रहा हूं आपको कितने दिनों से कि भगवान की कथा हमारे समस्त तापों का नाश कर देती है, पर यहां गोपियों के साथ विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वो जैसे जैसे भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, समस्त अमंगल का हरने वाली हो कथा हमारी व्याकुलता को और बढ़ा रही है। आपके वो सुंदर चरित्र, आपकी वो सुंदर लीलाएं जैसे जैसे हम याद करती हैं, और हमारा तो आपके अतिरिक्त है ही कौन, हमने तो जन्म भी आपके लिए लिया है, हमारा प्रत्येक कर्म आपके निमित्त है। गोभीर पिवति कृष्ण रसम, गोभीर पिवति कृष्ण रसम इति गोभी, गो कहते इंद्रियों को, जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण रस का पान करें वो गोपियां हैं। कौन है गोपियां, जिनका प्रत्येक कर्म, जिनकी प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण रस का पान करें, जिनके हाथ यदि कोई कर्म करते हैं तो वो भगवान के निमित्त माखन बनाना, उनके पैर यदि चलते हैं घर से बाहर तो केवल कृष्ण दर्शन लालसा, उनके नेत्र यदि कुछ देखना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनके कान यदि कुछ सुनना चाहते हैं तो केवल भगवान की उस वेणु का निनाद सुनना चाहते हैं। पूर्ण शरणागति जिनकी है वो गोपांगनाएं यथा ब्रज गोपिका,
सुघड़ संवरे। अब कहाँ जाए भगवान आपको छोड़कर, जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मोहन अब ये झोली कहाँ तेरा, तेरे दर के सुघड़ सांवरे पर लुभाए हुए हैं, सुघड़ सांवरे लुभाए हुए अतिरिक्त हमारा है ही कौन है। पति सुतान वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंग्यते अन्तरा, माता पिता पति बंधु बांधव सबको छोड़कर हम आ गए हैं। अब हम न घर जा सकती हैं क्योंकि सबको छोड़ दिया हमने, और अब तुम भी हमसे दूर हो गए तो फिर अब हम जाएंगे कहां। तो हे अकारण करुणा वरुणालय, हे वीर, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्थलेषु,
अपने वो चरणारविंद हमारे मस्तक पर हमें धारण करो, हमें प्रदान करो, आपके दर्शन हमें दो। गोपियों की विरह वेदना भगवान उस गोपियों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है जिसमें उनकी वेदना है उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान को अत्यंत प्रिय ये गोपी गीत। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलप्यन्त्यस्य चित्रधा गुरुदोषस्वरंगाजन कृष्ण दर्शन लाभ। रुरुदुस्तु स्वरण राजन, उन गोपियों ने जो गीत गाया है वो स्वर में, उनका तो रोना भी स्वर में हुआ। और जब कोई स्वर में गाकर भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं को रोक नहीं सकते। उन गोपियों के उस पुकार को सुनकर भगवान पीतांबर दर्शकवी साक्षात मनमत मनमत पीतांबर धारी भगवान श्याम सुंदर करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले स्वरूप को धारण किए हुए भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और भगवान ने उन गोपियों की अभिलाषा पूर्ण की। महारास होता है और महारास के उपरांत भगवान अब समय क्या है, बहुत लीलाएं हो गई ब्रज की, अब चलना पड़ेगा भाई। जिस निमित्त भगवान यहां पधारे हैं इसलिए यदा यदा ही ग्लानिर भवति भारत। तो भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे गए भगवान को लाने के लिए। सभी ब्रजवासी भगवान को रोकने का प्रयास करते हैं। भगवान उनको वचन देते हैं कि चिंता मत करो, मैं परसों लौट कर आता हूं। और भगवान अक्रूर जी के साथ में मथुरा पधारते हैं। और जैसे ही मथुरा नगरी को विदित हुआ कि कृष्ण बलराम मथुरा आए हैं, सभी मथुरा वासी भगवान के स्वागत के लिए अपने अपने घर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और कृष्ण बलराम पर सुंदर पुष्प वर्षा होती है। भगवान के सुंदर सुभग दर्शन करके सभी मथुरा वासी धन्य धन्य हो जाते। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। भगवान ने मथुरा में प्रवेश करते ही सबसे पहले कुब्जा का उद्धार किया। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। अब भगवान को समाप्त करने के लिए कंस ने जो योजना बनाई है कि मथुरा बुलाकर उन्हें वो सब सारी योजनाएं उसकी धराशायी हो जाती है। भगवान के लिए हाथी, पागल हाथी रखे जाते हैं। भगवान उन हाथियों को पकड़ पकड़ के ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई पुष्प को तोड़कर फेंक देता है। तो भगवान ने सब उन चाणूर मुष्टि को एक एक गुंजे में धराशायी कर दिया और सीधे उछलकर भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंचे। कंस को उठाया पटक कर धड़ाम धड़, और ये कंस का उद्धार। बोलिए कारागार से अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त कराया, उग्रसेन जी को मथुरा का अधिपति बनाया और अब माता देवकी और वसुदेव जी भगवान को लेकर चिंतित होते हैं कि ये कृष्ण बलराम बड़े हो गए हैं, अभी तक इनका अध्ययन नहीं हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार करा के भगवान को अध्ययन के लिए उज्जैन भेज दिया जाता है।
उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान 64 दिवस में 64 कलाएं सीख लेते हैं और अध्ययन करके पुनः मथुरा आते हैं। मथुरा आकर भगवान थोड़े से व्यथित हैं, व्याकुल हैं, भगवान को ब्रज की याद आ रही है। तो यहाँ पर उद्धव जी ने भगवान को भगवान का स्वरूप याद दिलाया है कि भगवान आपको इस प्रकार व्याकुल होना, दुखी होना शोभा नहीं देता। आप तो भगवान हैं, आप किसके लिए चिंतित हैं, व्याकुल हैं। भगवान ने कहा भाई मुझे गोपियों की, ब्रज की, माता पिता की, सबकी याद आती है। बोले उनको पता नहीं, आप उनको याद कर रहे हो। बोले वो भी मेरे को याद कर करके रो रहे हैं। बोले उनको याद नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या पता नहीं आप कौन हैं। भगवान ने कहा इसे भी अपने ज्ञान का मान हो गया है। तो भाई ऐसा है उद्धव, उन्हें तो पता नहीं है मैं कौन हूं, ऐसे कर तू जाके उनको बता के आ। तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेज दिया उन गोपियों के बीच में। उन ब्रजवासियों के द्वारा जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है उद्धव जी को, उद्धव जी वहीं लेट जाते हैं उन ब्रजवासियों के चरणों में। बोले धन्य है ब्रजवासियों का ये प्रेम जो भगवान भी उनके लिए रोते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो समय की बाध्यता है कि हम गा नहीं सकते उसको। उद्धव जी को वस्तुतः भगवत भगवान की वो पराभक्ति का, उस प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव तो ब्रज में ही होता है। अब मथुरा पर जरासंध का आक्रमण होता है। जरासंध परास्त होकर चला जाता है, फिर आता है, फिर परास्त होकर चला जाता है। अब बार बार आक्रमण होने के कारण भगवान विचार करते हैं कि अब अपने को मथुरा छोड़ देना चाहिए। तो भगवान मथुरा छोड़ने से पूर्व संकल्प से ही द्वारिका नगरी का निर्माण कर देते हैं समुद्र के तट पर। इधर फिर से जरासंध ने आक्रमण किया है, इस बार काल यवन को भी साथ लेकर आया है। युद्ध करते करते भगवान युद्ध करते 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 अचानक युद्ध भूमि से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। रण को छोड़कर जाने के कारण भगवान का नाम बोलिए, रण छोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़कर भागे भगवान, पीछे पीछे काल यवन भागा। भगवान देखते जा रहे हैं, भाई आता जा रहा है। हाँ बोले आता जा रहा है भगवान, भागे जा रहे हैं, आता जा रहा है। भगवान उसे भगाते दौड़ाते दौड़ाते मुचकुंद की गुफा में ले आते हैं, क्योंकि काल यवन को वरदान मिला हुआ है कि वो भगवान से नहीं मरेगा। उसने पहले वचन ले लिया और कोई मारे नहीं मारे, भगवान से मेरा वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने सुंदर लीला रची। मुचकुंद जी जो वहां पर विश्राम कर रहे हैं गुफा में, कितने हजारों वर्षों से निद्रा ले रहे हैं, और उन्हें भी एक वरदान मिला हुआ है कि जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा। तो भगवान अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल देते हैं। उधर से कालयवन आता है, पीछे से आकर देखता, अच्छा भक्कर यहां छुप गया, और एक पादप प्रहार करता है जिससे मुचकुंद जी की निद्रा भंग हो जाती है। और जो ही आंख खोलते हैं खोलते कालयवन भस्म हो गया, और भगवान सीधे द्वारिका में। भगवान ने पहले ही ब्रजवासियों को द्वारिका पहुंचा दिया है, और आज भगवान द्वारिका में जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर स्वागत होता। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब द्वारिका में बड़े प्रसन्नता से भगवान निवास कर रहे हैं, तो
अब भगवान वहाँ पर अकेले निवास कर रहे हैं। अब कोई भी घर गृहस्थी जब तक पूर्ण नहीं होती, कब तक? जब तक विवाह नहीं होता। तो भगवान ने कहा, भाई अपना विवाह का नंबर कैसे आ जाएगा? पहले तो बड़े भैया बैठे हैं अभी तक, भाई पहले बड़ों का विवाह होता है फिर छोटों का होता है। तो बोले क्या करें? बोले ऐसे करो, रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी का बड़ा सुंदर भव्य दिव्य विवाह कराया गया। भगवान ने कहा अब अपना रास्ता साफ हो गया, लाइन क्लियर है, अब अपना नंबर आने वाला है। हाँ अब तैयारी कर लो। बोले भाई रुक्मणी जी ने जिनका विवाह है उनके पिता शिशुपाल के साथ में निश्चित कर देते हैं, परंतु रुक्मणी जी ने सदैव भगवान के सुंदर गुणों का श्रवण किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैहरतो गतापम्। रुक्मणी जी जब भगवान के सुंदर सुभग स्वरूप का और उनके गुणों का श्रवण करती हैं तो उनको मन ही मन भगवान से प्रेम हो जाता है और भगवान को अपना वर स्वीकार कर लेती हैं। परंतु उनके पिता ने शिशुपाल के साथ में उनका विवाह सुनिश्चित कर दिया और विवाह करने के लिए शिशुपाल आ भी गया। अब क्या करें, बड़ी विकट परिस्थिति है। तो रुक्मणी जी ने अपने पुरोहित को बुलाया कि इधर आइए ब्राह्मण देवता। रुक्मणी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता प्रणाम है, बोलिए राजकुमारी जी क्या आदेश है? बोले आदेश है एक कार्य करना है। बोले क्या कार्य करना है? बोले एक पत्र लिख रही हूँ, इस पत्र को पहुँचाना है और कोई जा नहीं सकता क्योंकि जो भी राज्य से बाहर जाएगा तो उसको मेरे भैया के सैनिक समाप्त कर देंगे। रुक्मणी जी से ब्राह्मण ने कहा, तो क्या बलि का बकरा में ही मिला आपको? बोले बलिदान तो ब्राह्मण ही करते हैं ना बेचारे, उनके ब्राह्मणों के बलिदान को कोई स्वीकार करे ना करे, पर ब्राह्मणों ने इस सृष्टि के लिए बहुत बलिदान किए हैं। दधीचि जी ऋषि ने अपनी अस्थियां तक दे दी है? अब ठीक है देवेंद्र। तो ब्राह्मण देवता थोड़ा हिचकिचाए, रुक्मणी जी ने फट से 2100 का लिफाफा निकाला और दिया कि पहले आप ये लिफाफा पकड़ो। ब्राह्मण देवता बोले अब ठीक, अब आदेश करो। बोले ये पत्र लो और द्वारिकाधीश को पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता की जो गति थी वो दुगनी हो गई, दक्षिणा का प्रभाव है। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे, द्वारपाल से कहा कि भाई जाकर निवेदन करो कि एक ब्राह्मण आया है और कुछ विशेष पत्र है, नितांत व्यक्तिगत पत्र है, किसी और के हाथ में दे नहीं सकता। द्वारपाल ने जाकर कहा कि भगवान एक ब्राह्मण आया है और उसके हाथ में कोई पत्र है और वो बड़ा व्यक्तिगत है, केवल आपको ही देगा। बोले भाई लाओ अंदर। भगवान के हाथ में जैसे ही पत्र आया, भगवान ने पत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते बस 1-2 लाइन ही पढ़ी, शुरू की और भगवान ये चले रथ में बैठकर। इधर से बलराम जी आए, अरे भाई कन्हैया कहाँ भागे जा रहा है? कन्हैया ने सुनाई नहीं, सुने क्या? क्या कहे कि मैं लड़की का अपहरण करने जा रहा हूँ? ये तो भैया से कैसे कहे, सुना अनसुना करके भगवान तो जाते जा रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं कन्हैया रुको, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो?
वहां खड़े ब्राह्मण से पूछा, भाई कहां से क्या कैसे तुम्हारा पत्र पढ़ते ही कन्हैया जा रहे हैं। बलराम जी ने उठाकर पत्र पढ़ा, ओहो अच्छा तो ठीक है, अब कन्हैया तो अकेला चला गया लेकिन वहां तो युद्ध होना निश्चित है, है? तो बलराम जी पीछे पीछे सेना लेकर चले हैं और वहां रुक्मणी जी ने पूरा जो वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वहां की वो पहले से ही उसमें लिख दी कि वहां वहां मंदिर रहेगा, मैं मंदिर में पूजा करने आऊंगी, इतने बज के इतने मिनट पर मेरे साथ में केवल मेरी सखियां रहेगी, कोई नहीं रहेगा, सारे रक्षक द्वारपाल बॉडीगार्ड सब बाहर खड़े रहेंगे। वाह क्या योजना बनाई है, अब इतनी हरी झंडी मिल जाए तो कौन छोड़ेगा। रुक्मणी जी ने सुंदर सारा वर्णन लिख दिया, भगवान जैसे जैसे जो योजना बनाई गई थी, रुक्मणी जी अपने माता के मंदिर में जहां पूजा करने जाती हैं वहां पहुंची अपनी सखियों के साथ में, पूजा करती जा रही हैं और ध्यान करती जा रही हैं, निवेदन कर रही हैं, माता पराम्बा शक्ति मैंने भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, आप शीघ्र करके उन्हें मेरे सन्मुख प्रकट कर दीजिए। भगवान द्रुतगामी रथ पर सवार हैं और भगवान जैसे ही वहां उस मंदिर में प्रवेश करते हैं सारे द्वारपाल जितने भी रक्षक हैं पूरी सेना खड़ी है, पर जैसे ही सबने भगवान का दर्शन किया सब मोहित हो गए। हैं मोहित जी की कथा से जैसे सब मोहित हो गए वैसे भगवान का दर्शन करके सब, अरे भाई बड़ा सुंदर कौन है ये, सब बस भगवान की सुंदरता देख रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। भगवान सीधे रथ से उतरे और मंदिर के अंदर और पकड़ा रुक्मणी जी का हाथ और बिठाया रथ में और लेकर जो ही चलने लगे लोगों ने देखा, अरे भाई कहाँ गई रुक्मणी जी, बोले गए गए ले गए और ले गए और ले गए। भगवान रुक्मणी जी का हरण करके वहां से प्रस्थान करते हैं। रुक्मी शिशुपाल आदि को जब पता चलता है कि भगवान वो कृष्ण द्वारिकाधीश रुक्मणी का हरण करके ले गया है तो सभी पीछे सेना लेकर युद्ध करने जाते हैं। बलराम जी उस सेना के मध्य आ जाते हैं, भैया अब जो काम है वो मेरे से करो, जिसका जो काम था वो कर गया, अब युद्ध मुझसे करो। वहां पर बलराम जी उस सेना को युद्ध करके परास्त करके भगा देते हैं और इधर भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका में प्रवेश करते हैं। द्वारिका वासियों को जैसे ही विदित हुआ कि भगवान सुंदर पत्नी लेकर आ रहे हैं, द्वारिका में सुंदर भगवान के स्वागत की तैयारी हुई है। भगवान द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के साथ में सुंदर सुशोभित रुक्मणी जी द्वारिका में आकर विवाह की तैयारी चल रही है और रुक्मणी जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान का सुंदर सुभग्य स्वरूप और भगवान रुक्मणी जी को देख रहे हैं और विवाह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। देख छवि सांवरी सी, मैं तो हुई बावरी सी। रुक्मणी जी को भगवान का सुंदर स्वरूप दिखते ही हो तो देख छवि सांवरी सी, मैं तो हुई बावरी सी। देख छवि सांवरी सी, मैं तो हुई
प्रज्वलित होने से पूर्व एक दो विशेष कुछ प्रसन्नताएं हैं जिनको मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं। एक तो आज हमारे जो ये आप सभी को दृश्य कराते हैं दिनेश जी, उनका जन्म महोत्सव है, तो मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वाति शर्मा जिन्हें राज्यपाल ने प्रथम स्थान से सम्मानित किया है, ज्योत्सना आगीवाल इन्हें भी कृष्णगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की विराजित मणिमय मंजुल कुंज मनोरम नव तरु कुसुम सुपुंज खग कुल कलरव मधुकर गुंज उपासत सखी जन नित्य निकुंज परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की सेवित रस कवि श्री जयदेव वांछत जिन पद रज मुनि देव रसिक जन सो रज नित ही पेव पुलकित हो जावे परिसेव गोवर्धन धाम करत विश्राम सकल जन काम कृपा अति अभिनव केशव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की पधारे पीठ निम्बारक धाम विराजे कनक पीठ अभिराम शोभा अमित बनी धन गाम दर्श कर मुदित सकल जनवाम युगल दंपति रसिक संपति निखिल जंपति शरण श्री राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव।
माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।